हेलो, मैं डॉक्टर नूर आपको आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। जो ये संदेश आपके लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज इस वीडियो में कोई सा कंपनी का एडवर्टाइज करना नहीं चाहता या ना कोई सा कंपनी का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और हर बीमारी का इलाज हर तरह से, किस तरह पेशेंट अच्छे होंगे उस तरीके से मैं करता हूँ। तो आज मुझे एहसास हुआ कि हमारे भारतवर्ष में जो आयुर्वेदिक यूनानी जो मेडिसिन चल रहा था, अभी उसका इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है। अभी विदेशी दवा का जो मात्रा है हमारे भारतवर्ष में ज़ोर से चल रहा है, लेकिन जो विदेशी हैं वो हमारे भारतवर्ष में आकर खुद का इलाज आयुर्वेदिक से करते हैं। और आयुर्वेदिक में एक है जिसका नाम होता है सिबोप्थर्म। एक ऐसी बेरी है, ऐसा फल है जो इसके अंदर बहुत सा न्यूट्रिएंट है और बहुत मात्रा में विटामिन सी है। और ख़ास तौर से आज सिबोप्थर्म को एंटी ऑक्सीडेंट रूप में इस्तेमाल किया जाता है, डायबिटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, कार्डियोडिज में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सी दवा में सिबोप्थर्म को ऐड करके दवा बनाई जाती है। ख़ास तौर से सिबोप्थर्म एक ऐसी चीज़ है जो अपने बदन का जो होता है इम्प्यूरिटी चीज़ जो बदन के अंदर है, लीवर, हार्ट, किडनी वगैरह जितना ऑर्गन में जितना सब बलगम वगैरह चीज़ सब अंदर रहता है, सिबोप्थर्म उसको निकालने में बहुत सहायता करता है। मैं कोई सा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होकर आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि अपना ब्रांड एम्बेसडर आप खुद बनिए। आप जानिए कि सिबोप्थर्म चीज़ क्या है और वो किस तरह हम लोग को फ़ायदा देता है। बदन को साफ करने के लिए सिबोप्थर्म का लेना ज़रूरी है। हार्ट, लीवर, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सिबोप्थर्म का लेना ज़रूरी है। आज के दौर में कैंसर, कोरोना जिस तरह बहुत नया नया बीमारी सब आ चुका है, उसके लिए हमें न्यूट्रिशन के तौर पर सिबोप्थर्म लेना ज़रूरी है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर में जो न्यूट्रिशन का कमी है वो न्यूट्रिशन के कमी को ये उसको फुलफिल करेगा। और मैं शुरू से बोलता हूँ कि जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे एलोपैथी हो या हमारा होम्योपैथी हो, सब अपने अपने जगह में सही हैं, लेकिन हमको निर्णय लेना है कि हम किस तरह अपना ट्रीटमेंट किस मेथड में करेंगे। और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा मेथड है हमारे भारतवर्ष का पुराना मेथड, जिसको उस तरीके से अगर हम खुद का अगर चिकित्सा करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे आयुर्वेदिक मेथड से, उम्मीद करता हूँ हमारा जो स्वास्थ्य है वो लंबे समय तक निरोग रहेगा। बस इतने कहता हूँ।